नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आपका पार्ट 13 में, इसका नाम है लेसन नंबर 8 राशियों की तुलना एनसीईआरटी क्लास 7 बेसिक मैथमेटिक्स में। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लेसन नंबर 8 में, बहुत ही स्पीड के साथ यात्रा हो रही है। पार्ट 13 में आपका स्वागत है। सीधे हम लोग पहुंचेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। सीधे हम लोग कहां पहुंचेंगे? प्रश्नावली 8.1 में। प्रश्नावली 8.1 में। 8.1 का जो पहला प्रश्न है, राशियों की तुलना में कोई परिभाषा लिखाने का हमें नहीं लगता है जरूरत है, सीधे प्रश्न करेंगे और हमें आंसर मिलता जाएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या है? अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है? अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं 2 अनुपात ले लेता हूँ। जैसे ही हम प्रश्न लगाएंगे इस लेसन को सीखते चले जाएंगे। तो पहला प्रश्न है अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न उठा लेते हैं, इसका क्या है? तो पहला प्रश्न है ए नंबर, 5 रुपए का 50 पैसे से। बी नंबर पे क्या है देख लेते हैं, 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से, ओके। सी नंबर हमारा क्या है, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से, और डी नंबर हमारा क्या है, 30 दिनों का 36 घंटे से। क्या यही प्रश्न है? देखते हैं। तो राशियों की तुलना कब होती है? सही तुलना तब हो पाती है जब दोनों राशि क्या हो, समान। जैसे हमने आपको क्या दिया, 1 किलो आलू, और हमने आपको क्या दे दिया, 2 लीटर दूध। हमें तुलना करो तो किलो का किलो से होगा, लीटर का लीटर कैसे होगा, ठीक है, तब तुलना हो पाएगी। तो सबसे पहले राशि का समान करें। तो 5 रुपए 50 पैसे, इधर क्या है पैसा, इधर क्या है रुपया, तो हम रुपया को क्या करेंगे, पहले पैसे में बदलेंगे। तो 5 रुपया का मतलब कितना, 50, 500 पैसे। 500 पैसे का 50 पैसे से। अब ये प्रश्न सही बना, 5 रुपये का मतलब 500 पैसे का 50 रुपये से अनुपात। तो क्या होगा, अनुपात बराबर 500 ऊपर लिख लो, 50 नीचे लिख लो, काट लो, कितना आया 50 और 5 एक कम 5 10, कितना आया 10 अनुपात 1। 10 बटा 1 आया, इसका मतलब होता है 10 अनुपात 1। ये हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ पाए? समझ गया सर। ये क्या है, किलोग्राम, ये क्या है, ग्राम। तो सबसे पहले किलोग्राम को क्या बदलेंगे, ग्राम में। हमने कक्षा 6 में पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 15 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 15000 ग्राम हो जाएगा का 210 ग्राम से अनुपात। अब प्रश्न सही बना, समझ पा रहे हैं, 15 किलो में 15000 क्या हो जाएंगे, ग्राम हो जाएंगे, क्योंकि ग्राम में है। अब अनुपात क्या होगा, तो 15000 बटे 210 ग्राम, और ग्राम कट गया, ये देखो कट गया, यहाँ 21 है, यहाँ क्या है 1500, तो तीनों 7 21, तीनों 15 15, क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, कितना आएगा, 500 अनुपात 7। तो ये हो गया इसका अनुपात, कर दिया तुलना। यस सर। ये क्या है मीटर, ये क्या है सेंटीमीटर, हमने पहले ही पढ़ा कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात। अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो 900 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 27 हमारा नीचे हो जाएगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया, तो 27, तो देखो क्या होता है, 9 3 27 और 9 1 9, कितना आ गया, 1000 बटा 3, 100 अनुपात। समझ पा रहे हैं? मैंने एक स्टेप छोड़ दिया यहाँ पे, 500 अपान 7 ना लिखकर सीधे मैंने 500 और 7 लिख दिया, 100 अपान 3 ना लिखकर सीधे मैंने 100 अनुपात 3 लिख दिया है। अब क्या है, 30 दिन और 36 घंटे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 2 दिन में 36, 48, तो 30 दिन में
तीस किया कर 24 से गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 4 3 12 3 6 720 घंटे, तो 30 दिन का मतलब 720 घंटे का 36 घंटे से अनुपात, समझ पा रहे हैं? यस सर। तो 720 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा घंटे को, इससे आवर्स कहते नहीं है? यस सर। और 36 को मैं नीचे लिख दूंगा, आवर्स 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 कट गया, काट लीजिए 36 एकम 36, 36 दूना 72 मतलब 20 अनुपात एक, समझ पा रहे हैं? आई होप आप अनुपात निकालना समझ गए होंगे। जो पहले संख्या होती है वो अंश में चली जाती है, जो बाद में संख्या होती है वो हर में चली जाती है, लेकिन दोनों राशियां पहले हम क्या करेंगे, समान करेंगे। डालें। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होना चाहिए। ध्यान से देखें, 6 विद्यार्थी, देखो इधर 6 विद्यार्थी के लिए कितने हो, 3 कंप्यूटर, 6 विद्यार्थी के लिए 3 कंप्यूटर होना चाहिए। यस सर। याद कीजिए कि 24 विद्यार्थी के लिए क्या, 24 विद्यार्थी के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, यही तो है क्वेश्चन। यस सर। कंप्यूटर में ऐसे तो आएगा, कंपटीशन में ऐसे ही तो आएगा। यस सर। 6 विद्यार्थी के लिए 3, तो 24 विद्यार्थी के लिए कितने, तो मैं इस लाइन को अगर मैं यहाँ लिख दूं ऐसे 24 विद्यार्थी के लिए, तो कोई दिक्कत नो सर, अभी याद कर लेंगे। तो 6 विद्यार्थी के लिए 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 × 1 विद्यार्थी के लिए कितने कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर। क्या कोई दिक्कत हुई, 1 से गुणा करने पर तो वही होता है, 6 × 1 6 लिखो, चाहे 6 × 3 6 विद्यार्थी के लिए जब 3 कंप्यूटर चाहिए, तो ये क्या लिखा, कितना विद्यार्थी बचा, एक विद्यार्थी के लिए 3 कंप्यूटर, 6 क्या है गुणे में जाएगा बटे में, 3/6 कंप्यूटर चाहिए। नहीं समझ पाए, अब समझना है, एक आम अगर कितना है, 4 रुपए का, तो 2 आम कितने के होंगे, 8 रुपए, बहुत अच्छी बात, और 4 आम कितने के होंगे, 16 रुपए के, और 5 आम कितने के होंगे, 20 रुपए के, और मतलब 12 आम कितने के होंगे, कुल मिला के एक आम की जो MRP है उसकी आप संख्याओं से गुणा करते चले जाएंगे, 4 × 2 से कर देंगे तो 2 आम की, 4 × 4 से कर देंगे तो 4 आम की, 4 × 5 से कर देंगे तो 5 आम की, उसी प्रकार एक विद्यार्थी के लिए 3/6 कंप्यूटर चाहिए, तो 2 विद्यार्थी के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा, 3 विद्यार्थी के लिए 3 से गुणा, और 24 विद्यार्थी के लिए क्या कर देंगे, 24 से गुणा कर देंगे। क्या समझ में आया? Yes, नहीं आया समझ में, आया तो याद कर लीजिए, 6 × 6 = 24 4 × 3 = 12 कंप्यूटर कितना आएगा, 12 कंप्यूटर, बस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। yes, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख, चलिए राजस्थान एक हेडिंग बनाते हैं राजस्थान के लिए, ओके एक बना लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ बना ले। तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या, तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है 570 लाख, कोई दिक्कत और राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है बच्चा, वो है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का क्या जनसंख्या, इसकी बात कर, जनसंख्या कितनी है इसकी, 1660 लाख, और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये तो कंडीशन क्वेश्चन में दी है। अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे सब पूरी कहानी कि ज्ञात क्या करना है। तो पहला प्रश्न है, इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो बताओ 3 लाख किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 570 लाख, ठीक है, मैं इसको लगाऊं यहाँ पे, तो ये वाला जो लगाने जा रहा हूँ राजस्थान के लिए, देखो 3 लाख
3 लाख लोग कितने क्षेत्रफल में रहते हैं? 570 लाख लोग। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति? तो वो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख आदमी मतलब जनसंख्या रहती है। ध्यान समझना है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख लोग रहते हैं। इसको लिख सकते हैं 3×1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख आबादी रहती है। अगर 1,00,000 की ज्ञात कर ले, 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में, तो 3 क्या है गुणे में जाएगा बटे में इतने लाख आबादी रहेगी। काट लो 3 × 1 = 3×2 = 3×9 = 27 190 लाख। इसका मतलब 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आ गया? 190 लाख। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? लाख, लाख से कट जाएगा, तो 190 आदमी रहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो 1,00,000 किलोमीटर में कितने आदमी रहेंगे? 190। तो 1,00,000 किलोमीटर में, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 आदमी रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा? जो राजस्थान में 1 किलोमीटर का स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितने आदमी आ सकते हैं? 190। अब बात कर लेते हैं यूपी की, ठीक है? तो मैं यूपी क्या क्या मैं यहाँ पे लगा दूं, समझे? देखिए, 2,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में 1,660 लाख आबादी रहती है। लाख लाख देखो मैंने पहले काट दिया, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर में 1,660 आबादी रहती है। तो 1 किलोमीटर में कितना रहेगा? इसको हम 1 कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे 1 जब निकालेंगे, 2 क्या है गुणे में उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो काट लीजिए, 2×8=16, 2×3=6, 830 कितना आया? ध्यान समझिए, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर की आबादी में 830 लोग रहते हैं। तो बताइए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था? इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति रहते हैं? लिख देंगे, पहला प्रश्न डालेंगे, लिख देंगे राजस्थान में प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 190 व्यक्ति और उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830। मतलब आबादी कहाँ ज्यादा है? आबादी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन में 190 लोग रहेंगे और यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन में 830 लोग। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? देखेंगे राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है, क्योंकि वहाँ कम लोग रहते हैं। समझ पा रहे हैं? इस प्रश्नावली के साथ 8.1 समाप्त हो चुकी है, पार्ट 13 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग क्या सीखेंगे? प्रतिशत का अर्थ। क्या सीखेंगे? प्रतिशत का अर्थ। तो पार्ट 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, राशियों की तुलना, लेसन नंबर 8, प्रश्नावली 8.1 खत्म। अगली हेडिंग हम लोग सीखेंगे प्रतिशत का अर्थ, और जब प्रतिशत का अर्थ सीख लेंगे तो 8.2 हम अच्छे से कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।